इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से, जहां टीचर का टॉर्चर सामने आया है। होमवर्क न करने पर मासूम की बेरहमी से पिटाई कर दी है। टीचर ने 4 साल की मासूम को पीटा है। आपको बता दें, मासूम ने परिजनों को जुर्म की कहानी सुनाई है। परिजनों ने शिकायत की है, जिसके बाद स्कूल संचालक ने भी परिजनों को धमकाया है। आपको बता दें, MGM हाई सेकेंडरी स्कूल की घटना सामने आई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, MGM हाई सेकेंडरी स्कूल की घटना सामने आई है, जिसमें टीचर ने टॉर्चर करते हुए बच्चे को पीटा है। 4 साल की मासूम को पीटा गया है। अधिक जानकारी के लिए जुड़ेंगे इंदौर से ब्यूरो हेड भरत पाटिल के साथ। भरत जी, क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है इस पर? मामला सामने आया है, परिजन ने एक स्कूल संचालक को उनका मौजूद टीचर की एक शिकायत की गई है। बता दें कि अलमीरा है, 4 साल की बच्ची जो नर्सरी क्लास में पढ़ती है, और जब वो घर पहुंची थी तो उसके चेहरे पे कई निशान थे और वो रो रही थी। जब परिजन ने उससे पूछा तो उन्होंने बताया कि टीचर द्वारा जो है उसकी साथ ये मारपीट की गई है और होमवर्क ना करने को लेकर के ये पिटाई की गई। इसके बाद जब स्कूल संचालक से मिलने परिजन पहुंचे थे तो उसका स्कूल संचालक का व्यवहार भी ठीक उनके लिए नहीं रहा था। उसके बाद बच्ची का मेडिकल कराया गया और मेडिकल के बाद थाने पर इस पूरे मामले की शिकायत की गई है। इस मामले में MGM स्कूल के विरुद्ध जो है शिकायत प्राप्त के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है और अभी आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल किस टीचर ने मारपीट की ये तो सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से वैधानिक रूप से कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया भरत। तो ये खबर थी इंदौर से, जहां टीचर का टॉर्चर सामने आया है। होमवर्क न करने की बात पर मासूम को पीटा गया है। टीचर ने 4 साल की मासूम को पीटा है। आपको बता दें, मासूम ने परिजनों को जुर्म की कहानी सुनाई है। परिजनों ने शिकायत की है, जिसके बाद स्कूल संचालक ने भी परिजनों को धमकाया है। आपको बता दें, MGM हाई सेकेंडरी स्कूल की घटना सामने आई है।